Hello everyone I am Neha and welcome back to my channel in this video we will talk about mpc 005 block 2 unit 1 survey research so in this video we will talk about concept and meaning of survey and steps involved in conducting survey research and rest of all topics we will discuss in another videos सो so स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो सो लेट्स बिगिन द टॉपिक सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में so जो है कर, तो जो क्वेश्चन आए हैं वो टू थाउजेंड से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक कंटिन्यू ये क्वेश्चन आए हैं

टेन मार्क्स का आया है एंड उसके बाद दिसंबर 2012 में अगेन आया है टेन मार्क्स के फिर थर्टीन में भी आया है आप देख सकते हो फोर्टीन में भी आया है फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी मीन्स कि आप देख सकते हो कि हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो जो टॉपिक है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अब आते हैं टॉपिक पर सो सर्वे रिसर्च मेथड इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड नॉन एक्सपेरिमेंटल इसलिए है क्योंकि हम किसी भी कंडीशन में किसी भी वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते हैं इसमें हम कंट्रोल नहीं करते हैं किसी भी वेरिएबल को इसलिए ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ठीक है पूरी डिटेल्स में इसकी रिसर्च की जाती है एंड ये जो मैथड है क्वान्टिटेटिव मैथड है ठीक है और इस ये मेथड लार्ज सैंपल पे स्टडी किया जाता है यूज़ किया जाता है इसकी जो रिसर्चर है वो लार्ज स्केल पे अपनी रिसर्च को करना चाहता है फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ट्वेल ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं एंजाइटी उनको फील होती है ठीक है तो ऐसे टाइम पर आप जो उन ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का मेंटल हेल्थ तो वो सर्वे लेंगे तो ये एक तरीके से लार्ज स्केल हो गई ठीक है तो ऐसे लार्ज स्केल पे क्या करते हैं सर्वे रिसर्च मेथड्स को यूज़ किया जाता है बेसिकली ये जो टेक्निक है मेथड्स ऑफ सर्वे रिसर्च ये अप्लाई होती है सोशल रिसर्च पे ठीक है और इस ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कलेक्शन ऑफ डेटा में बोथ थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है जब हम फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं वहीं पे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है जैसे कि हम ओपिनियन ऑन लाइब्रेरी सर्विस ऑफ एंड इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी सर्विस का ओपिनियन जब लेते हैं स्टूडेंट से उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया तो ये किसके अंडर में आता है रिसर्च सर्वे रिसर्च मेथड्स के अंडर में अब इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज कुछ हैं उसको देख लेते हैं सर्वे रिसर्च में एडवांटेज है कि ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है लेस टाइम टेकिंग होता है और इकोनॉमिकली भी ये रिसर्चर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है सेकेंड होता है कि ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होता है जिससे कि जो रिसर्चर है उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है लेटेस्ट चेंजेस और एडवांस्टमेंट का जिससे कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है रिसर्च में ठीक है एंड नेक्स्ट है रिसर्चर जो होते हैं उनको फुल चांस मिलता है वेल ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट द रीज़न ऑफ द स्टडी एंड फुल एंड ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंस क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये रिसर्च चलती है अब डिसएडवांटेज यहीं पर देख लेते हैं डिसएडवांटेज ये होते हैं कि मैंटेनिंग द प्राइवेसी अगर आ, किसी ग्रुप की प्राइवेसी को रिस्पॉन्स uh, लेते हैं तो उसको मेंटेन करना होता है एंड उसकी वजह से आप जो uh, आपका जो सैम्पल है रिस्पॉन्डेंस है जिसके ऊपर आप सर्व सर्वे कर रहे हैं उन ग्रुप से आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं फुल्ली कि जो भी आंसर दें वो ऑनेस्ट के साथ दें तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज हो जाता है ठीक है ओके एंड हाई एट्रिशन रेट ऑफ द रिस्पॉन्डेंस माइट हिंडर एंड लॉन्गटीट्यूडनल बेस्ड स्टडी हायर एट्रीशन मीन्स की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रेट जो होता है बहुत हाई हो जाता है क्योंकि ये जो आ, रिसर्च होती है ये लॉन्गटीट्यूडनल बेस्ड होती है ठीक है लॉन्गटीट्यूडल मीन्स की लॉन्ग पीरियड के लिए ये रिसर्च चलती है इसलिए बहुत ही स्ट्रगल रेट इसका हाई हो जाता है और हिंडर मीन्स की इसमें बहुत ही ज़्यादा बैरियर्स आते हैं ठीक है ये दो तरीके के डिसएडवाटेज हैं किसके सर्वे रिसर्च के अब आते हैं मेन पॉइंट पे स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग सर्वे रिसर्च में कि कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए सबसे पहला स्टेप्स है डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द सर्वे मीन्स स्टडी मीन्स uh, कि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको पहले से क्लियर होना चाहिए स्पेसिफाइड होना चाहिए कि आप ये जो पर्टिकुलर रिलीवेंट एरियाज या इशू ले रहे हैं इसका आपका एम क्या है ठीक है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड नेक्स्ट स्टेप में आएंगे कि डिफाइन द पॉपुलेशन टू बी स्टडी सो जो भी आपका टारगेट पॉपुलेशन है ठीक है उस टारगेट पॉपुलेशन के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ये आपका स्टेप टू है इन सर्वे रिसर्च में नेक्स्ट आते हैं डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट और सर्वे मीन्स कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप कलेक्ट कर लें मे इंस्ट्रूमेंट से मतलब है यहाँ पे टूल से जो भी टूल्स क्वेश्चन आयर आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप डिज़ाइन कर लें या फिर कंस्ट्रक्ट कर लें अपने सर्वे के लिए उसको फ्रेमिंग करना उसको रिसर्च को डिस, डिसाइड करना और उस सर्वे को किस तरीके से आप कंडक्ट करेंगे कौन सा सर्वे आप सेलेक्ट करेंगे जैसे कि टेलीफोनिक इंटरव्यू करेंगे या फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू करेंगे तो ये सारी चीज़ें पहले से आपको डिज़ाइन होनी चाहिए और आपको अपने जब जो सेलेक्शन हो जाए टूल्स का इंस्ट्रूमेंट का तो उसके बाद एक रिसर्चर क्या करता है कंडक्ट करता है एक पायलट स्टडी को पायलट स्टडी में क्या होता है कि जो भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं टूल्स को आपने सेलेक्ट किया है उसको एक स्मॉल ग्रुप पे आपको उस टूल्स को अप्लाई करना जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो भी टूल्स आपने यू आपने सेलेक्ट किया है वो आपके रिलीवेंट स्टडी से रिसर्च से आ, फुल आपके स्टडी और रिसर्च को फुलफ़िल करता है या नहीं ठीक है तो ये स्टेप थ्री होता है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट सर्वे अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे आते हैं सेलेक्ट प्रेजेंटेटिव सैंपल हमने अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव को स्टडी स्टडी के एम एंड ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई कर लिया उसके बाद जो पॉपुलेशन है उसको क्लैरिफाई कर लिया कि किस पॉपुलेशन पे हमें स्टडी करना है ठीक है और फिर उसके बाद हमें उस अपने स्टडी से रिलेटेड जो भी हमें टूल्स इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ करने हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए अब हम क्या करेंगे कि अपने सैंपल को सिलेक्ट करेंगे उस टारगेट टारगेट पॉपुलेशन में से जो भी हमने सेलेक्ट की है ठीक है ओके अब नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्टर द सर्वे एडमिनिस्ट्रे सर्वे ये फिफ्थ स्टेप है इसमें जो भी आपने टूल्स या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो आपने अपने सैम्पल के ऊपर क्या करना है अप्लाई करना है जिससे आपके डेटा का कलेक्शन हो जाए ठीक है जो भी आपको डेटा चाहिए वो डेटा या इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो जाए ठीक है फिर जब आपको डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो आप उसकी फाइंडिंग्स उसको एनालाइज़ करेंगे ठीक है एंड इंटरप्रिटेट द फाइंडिंग्स जो भी आपकी फ़ाइंडिंग्स आएगी उसको इंटरप्रिटेट करेंगे अपने सर्वे को ओके okay, अब नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ पे प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द सर्वे जो भी आपके फाइंडिंग्स आएंगे जो भी आप इंटरप्रिटेशन करेंगे उसके बेस पर आप अपनी सर्वे की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे ठीक है अब स्टेप में आते हैं कम्युनिकेश कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे जो भी आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे उस रिपोर्ट के रिकॉर्ड को आपको केयरफुली रखना है और उस आपने जो टारगेट पॉपुलेशन है जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई हैं उन फाइंडिंग्स के उन टारगेट uh, के पॉपुलेशन के लिए भी वो फाइंडिंग्स बहुत ज़रूरी है उनको भी बताना है कि एटलीस्ट अगर हमने बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम की अगर मेंटल हेल्थ पे स्टडी की है तो क्या फाइंडिंग्स आई है हमारी तो उस पॉपुलेशन को आपको अपनी फाइंडिंग्स बतानी है मींस कि को कम्युनिकेट करना है अपने पॉपुलेशन से जो भी आपका टारगेट पॉपुलेशन है और इक्वली उस रिकॉर्ड को आपको अपने फ्यूचर रिसर्च के लिए रिकॉर्ड करके रखना है जिससे कि अगर उससे रिलेटेड इन फ्यूचर रिसर्च हो तो वो जो फाइंडिंग्स आपकी आई है जो आपका रिपोर्ट है वो आगे आने वाली रिसर्च में काम आए ठीक है।, है तो ये एक तरीके से हो एक ये तरीका होता है कम्युनिकेट द फाइंडिंग इसीलिए इस स्टेप को लास्ट स्टेप ना मानकर बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप माना माना जाता है सो so ये था मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च सर्वे रिसर्च एंड स्टेप्स इन्वाल्व इन कंडक्टिंग सर्वे रिसर्च आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आए समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग